हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं कोडन बायोलॉजी। जब फॉर्म भरा था तो सोचा था कि पूरी किताब ही पढ़ जानी है, लेकिन ये कल का चक्कर कभी पीछा ही नहीं छोड़ा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट 5 डेज में आपको कौन कौन से टॉपिक पूरी तरह से रिवाइज कर लेनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं डीबीटी जीआरएफ के लिए, जिससे हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करके दे दिया है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है, आपके पूछे गए सारे सवालों का जवाब हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं डीबीटी जीआरएफ के लिए, जो आपको इन 5 दिनों में उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। एक नज़र हम लोग डालते हैं सिलेबस की तरफ। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी में स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 50 कंप्लीट करने होते हैं। सेक्शन ए 150 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 150 मार्क्स का होता है, टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि कैटेगरी 1 में मेरिट लिस्ट रैंक 1 टू 275 होते हैं, कैटेगरी 2 में मेरिट लिस्ट रैंक फ्रॉम 276 टू 376 तक होते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए कैटेगरी 1 और 2 के बारे में, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लें। कैटेगरी 1 जीआरएफ के लिए एलिजिबल होता है स्कॉलरशिप के लिए, और कैटेगरी 2 डीबीटी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। आइए थोड़ा कटअप पर ध्यान देते हैं। 2017 में मैक्सिमम कटअप 160 था, 2018 में मैक्सिमम कटअप 141 का था, ये नीचे गिरा है। लेकिन 2019 में ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बायोलॉजी में काफी बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे गेट का कटअप, तो पिछले साल अपेक्षा 2018 में जितना था 2019 में बहुत ज्यादा कट ऑफ है। तो हमेशा सेफ साइड लेकर चलें और मैक्सिमम कट ऑफ की तरफ ध्यान दें। सेक्शन ए में मेरे क्वेश्चन आते हैं बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। आपको इन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है पहले, और किसी भी चीज को याद करने के लिए आप पिक्चोरियल फॉर्म में से याद कर सकते हैं। जी पिक्चर, जैसे सेल याद करना है तो उसका पिक्चर याद करें, सेल बायोलॉजी का कोई पाथवे याद करना है तो पिक्चोरियल फॉर्म में याद करें, या चार्ट बनाकर आप याद कर सकते हैं, या टेबल बनाइए, या एक को दूसरे से कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं कि इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है। पहला है बायोकेमिस्ट्री में जो हमने एनालिसिस किया, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो थे वो प्रोटीन आप पढ़ लेंगे, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, जैसे प्यूरिफिकेशन फोल्ड है, स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन जो प्रोटीन का होता है, इंजाइम से इंजाइम एक्टिविटी पढ़ लेना है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड्स और ग्लाइकोल एसिड्स को ओवरव्यू कर लेना है कम्प्लीटली, साइट्रिक एसिड साइकिल, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेना है, एक बार देख लेना है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर बात करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके डाइजेशन से जो फ्रेगमेंट बनते हैं, वेक्टर को कैसे इंसर्ट करते हैं, जीन क्लोनिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या है जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मार्कर कौन कौन से होते हैं, टिश्यू कल्चर का क्या क्या टेक्निक्स हैं, इसके क्या एप्लीकेशन है। जेनेटिक्स की बात करेंगे तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस कम्प्लीटली पढ़ लेना है कि इसका जीनोटॉपिक रेशियो, फिनोटॉपिक रेशियो किस तरह से निकाला जाता है, इसके मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड डेरिवेशंस, इसका एक्सेप्शन जो है जिसको एपिस्टेसिस हम लोग कहते हैं, लिंकेज मैप, कैसे जीन को मैप करते हैं, टेट्राड एनालिसिस पढ़ लेना है, मैपिंग विद द मॉलिकुलर मार्कर से किस तरह से मैपिंग करते हैं पढ़ लेना है, मैपिंग के सारे तरीके आपको पढ़ लेने हैं, जैसे कि यूजिंग सोमेटिक सेल हाइब्रिड के द्वारा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के द्वारा, इनहेरिटेबिलिटी एंड द इट्स मेजरमेंट कम्प्लीटली आपको ये पढ़ लेना है, क्यूटीएल मैपिंग, म्यूटेशन टाइप, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ये सिर्फ सेक्शन ए के लिए नहीं, ये सेक्शन बी में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स कंप्लीट आप पढ़ जाइए। सेल बायोलॉजी में अगर बात करेंगे तो यहाँ से कम्प्लीटली क्वेश्चंस आते हैं सेल सिग्नलिंग और सेल साइकिल से, सेल सरफेस पे क्या रिसेप्टर्स होते हैं कैंसर सेल के बारे में या प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में आपको पढ़ना है कि एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे एंटीबायोटिक ए है, एंटीबायोटिक जी है, एंटीबायोटिक एम है, ये किस तरह से एक दूसरे से वेरिएबल हैं, इसके हैवी चेन, लाइट चेन, ये सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कैसे होता है, जैसे कि एलाइजा टेस्ट, ये सब जो टेक्निक्स हैं इसे पढ़ लेने हैं आपको। माइक्रोबायोलॉजी में मेनली पढ़ना है कि वायरस का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप की जो बनावट होती है, जो स्ट्रक्चर होते हैं, और मेटाबॉलिज्म से काफ़ी क्वेश्चंस, मेनली इसमें मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ से ही क्वेश्चंस आते हैं। ग्रोथ में इसका ग्रोथ कर्व होता है, इसको किस तरह से कल्चर करते हैं, इसमें बायो प्रोसेसिंग आता है, तो ये मेनली आपको पढ़ लेने हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल तो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ है, लेकिन एक न्यूमेरिकल आपका वेक्टर से आता है
कि आप कितना जो है इंडिपेंडेंट क्लोन कर सकते हैं किसी वेक्टर में। जब आप इंसर्ट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को और क्लोनिंग करते हैं तो क्या होना चाहिए, उसका साइज, एवरेज साइज क्लोन का क्या होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू एल एन वन माइनस पी बाय एल एन वन माइनस वन बाय एफ। इसको अब देख लेंगे। ये हो गया वेक्टर में मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलिकुलर वेट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। रखिए पीएच निकालने के लिए सीख लीजिए, सेल ग्रोथ से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बायोप्रोसेसिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डीएनए डाइजेशन को लेके कि किसी रिस्ट्रिक्शन साइट से अगर किसी डीएनए को कट करते हैं तो कितना फ्रेगमेंट बनता है, किस तरह के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जीन मैपिंग जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। और हार्डी वीनबर्ग का इक्वेशन कि पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर वन होते हैं, ये सब कम्प्लीटली याद कर लेना है। अब आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है तो आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि आप इतना घंटा पढ़ सकें, क्योंकि 14 अप्रैल को आपका एग्जाम है और माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रखना है। 12 अप्रैल तक आप ऐसा एडजस्ट कीजिए कि सारे कंप्लीट हो जाएं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट का कुछ कुछ टाइमिंग आप बांट सकते हैं कि इतना घंटा ये पढ़ना है, इतना घंटा ये पढ़ना है। मैंने जो लिखा है वो ज़रूरी नहीं है, मैंने लिखा है अपने हिसाब से कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको बदल के आप अपने हिसाब से कि कौन सा टॉपिक आपका सबसे बेस्ट है, कौन सा टॉपिक वीक है, उस आधार पर आप उसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपको हमेशा ही पढ़ते रहना है, जब भी नींद लगे आपको, जब भी लगे कि माइंड स्ट्रेस हो रहा है, सेचुरेट हो गया है, तो आप बिल्कुल सोएं, आराम करें और फिर से शुरुआत करें। और लास्ट में एक और बात कि कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक बार क्वेश्चन पेपर को रिव्यू जरूर करें। अगर आप इस शॉर्ट लेक्चर का डिटेल पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज कोडोन बायोलॉजी @p.gauravkr पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, और हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे बायोलॉजी के बारे में। थैंक यू सो मच।